जिला कांगड़ा प्रशासन द्वारा सब्जियों और किराने की दुकानों पर मनमाने दाम वसूलने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई स्थानों का औचक निरीक्षण किया और अधिक दाम वसूलने पर एक व्यक्ति के खिलाफ मामला भी दर्ज किया। कर्फ्यू के दौरान कालाबाजारी करने पर प्रशासन की पैनी नजर है और ऐसे में लोगों के विरुद्ध मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। उपमंडल अधिकारी धर्मशाला डॉक्टर हरीश गज्जू ने बताया कि प्रशासन सुबह 8 से 11 बजे तक कई स्थानों पर औचक निरीक्षण कर रहा है और दुकानदारों को दुकानों के बाहर रेड लिस्ट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से प्रशासन को सब्जियों के अधिक दाम वसूलने संबंधित शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसको देखते हुए प्रशासन ने विभिन्न टीमें बनाकर चेकिंग की और जो भी व्यक्ति अधिक दाम लेता पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। एसडीएम ने बताया कि प्रशासन ने सब्जी मंडियों में और दुकानों पर रेट लिस्ट लगाने के आदेश दिए हैं और फिलहाल कोई नई शिकायत सामने नहीं आई है। उन्होंने बताया कि सब्जियों के रेटों को विभिन्न वेबसाइटों पर भी दर्शाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कालाबाजारी ना हो सके। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिन पहले काफ़ी ऐसी शिकायतें आ रही थी, लेकिन पिछले 2 दिन से काफ़ी सख्त रवैया रखने के बाद मार्केट में सारे रेट बिल्कुल सही चल रहे हैं। ऐसी अभी कोई नई शिकायत नहीं आई है। अगर ऐसा कोई भी मिलता है उसके विरुद्ध हम इमीडिएटली FIR भी कर रहे हैं और उसको फाइन भी कर रहे हैं। तो फिलहाल रेट सारे कंट्रोल में हैं। जहाँ से भी कोई शिकायत हमें मिलती है तो इमीडिएट उसको हम फाइन भी करते हैं और FIR भी लॉन्च करवा रहे हैं। रेट्स हमारी सब वेबसाइट्स पे है और हर मंडी के रेट हम मंडी में भी लगवा रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि जहाँ जहाँ सब्जियाँ बिक रही हैं वहाँ भी कुछ बोर्ड्स या पैम्फलेट्स पे उन रेट्स को करें और हर दुकान पे वो रेट की लिस्ट लगा के ही बैठेंगे, अदरवाइज नहीं बैठेंगे। रेट्स कंटिन्यूस रेट है, सुबह से हम 8 बजे से निकलते हैं, 11 बजे तक हर जगह चेकिंग करते हैं हमारी विभिन्न टीमें जो है, और कहीं भी अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो इमीडिएट एक्शन लेते हैं।